नमस्ते दोस्तों जी, हाँ मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और अब आते हैं उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी कार्यालय पनवेल की 25 जून की रिपोर्ट के लिए। जी हाँ, 25/6/2020 को कोविड-19 की जो चाचनी हुई उनकी टोटल संख्या थी 1275। आज पर्यंत पूर्ण बरे झालेले जो आज के 5 रुग्ण ठीक हुए वो 478 है। विद्वान एकूण रुग्ण जो है 232 है। कोविड-19 से मृत्यु जिनकी हुई है वो 16 हो गए है। जी हाँ, 15 से अभी तक 16 हो गए। आज पर्यंत एकूण पॉजिटिव रुग्ण जो मिला है वो आज के नवीन 43 रुग्ण, आज 43 रुग्ण मिले हैं पनवेल रूरल में। आप देख सकते हैं 726 हो गई है संख्या। तपासनी निकाल जिनका प्रलंबित है वो 20 है और तपासनी निकाल नेगेटिव आया है वो 256 है। तो इस तरह से जो है वो सभी लोग अलग अलग सेंटर में एडमिट हैं। और हम देखते हैं कि आज जो 43 नए रुग्ण मिले वो कौन है। तो शिरोण में एक, तालुका पनवेल में 35 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। उल्वे में एक, साई हारमनी सेक्टर 21 तालुका पनवेल 42 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आई है। पारगांव में तालुका पनवेल में 42 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। वड़गढ़ में तालुका पनवेल में 42 वर्षीय व्यक्ति पुरुष कोविड पॉजिटिव आया है। करंजड़े में तालुका एक में 30 वर्षीय स्त्री जो है कोविड-19 पॉजिटिव आई है। चिखले में 34 और 35 वर्षीय पुरुष व्यक्ति जो है कोविड-19 पॉजिटिव आया है। विचुंबे में 40 वर्षीय स्त्री कोविड-19 पॉजिटिव आई है। नेरे में तालुका पनवेल में 55 वर्षीय पुरुष कोविड पॉजिटिव आया है। तारंजड़े में 56 पनवेल में 38 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया। कारंजड़े में पुष्कर नगर कारंजड़े में 24 वर्षीय स्त्री जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आई है। चिंचपाड़ा में पनवेल में तालुका पनवेल में 75 वर्षीय पुरुष व्यक्ति जो कोविड-19 पॉजिटिव आया। रामेश्वर पार्क विचुंबे में तालुका पनवेल में 25 वर्षीय स्त्री कोविड-19 पॉजिटिव आई है। बोकरवाड़ा में अपूर्व बिल्डिंग बोकरवाड़ा में पनवेल में तालुका पनवेल में 25 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आई है। वावंजे में 22 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। गोलवाड़ी में 35 वर्षीय पुरुष और 35 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। आकुरली में 48 वर्षीय स्त्री वो कोविड-19 पॉजिटिव आई है। विचुंबे में 30 वर्षीय स्त्री कोविड पॉजिटिव आई है। सुकापुर में 43 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। चिंचवाड़ा में 45 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आया है। सुकापुर में प्रयाग आंगन सोसाइटी सुकापुर में 40 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। उल्वे में शिवश्रेया उल्वे तालुका पनवेल में 34 वर्षीय पुरुष और 33 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। विचुंबे में 38 वर्षीय व्यक्ति पुरुष कोविड-19 पॉजिटिव आया है। तरघर में 59 वर्षीय पुरुष जो व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। कोणखे में 37 वर्षीय व्यक्ति पुरुष कोविड-19 पॉजिटिव आया है। शिरोण में तालुका पनवेल में 51 वर्षीय पुरुष 42 वर्षीय स्त्री कोविड-19 पॉजिटिव आई है। आकुरली में 50 वर्षीय 12 वर्षीय वो 50 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। उल्वे में आते हैं मयूरेश डेल्टा तालुका पनवेल में 21 वर्षीय स्त्री पॉजिटिव आई है। मयूरेश डेल्टा इसका सेक्टर भी नहीं दिया है, प्लॉट भी नहीं दिया है। वड़घर में तालुका पनवेल में 52 वर्षीय पुरुष व्यक्ति जो है कोविड-19 पॉजिटिव आया। रांजनपाड़ा जासई में तालुका उरण में 23 व 3 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। वलई उरण में तालुका उरण में 19 वर्षीय 23 वर्षीय पुरुष व 14 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। जेएनपीटी तालुका उरण में 22 वर्षीय पुरुष जो है कोविड-19 पॉजिटिव आया है। नागांव में तालुका उरण में 36 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। दुतुम में तालुका उरण में 34 वर्षीय स्त्री व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आया है। और कारंजा में तालुका उरण में 41 वर्षीय स्त्री पुरुष कोविड-19 पॉजिटिव आई है। और अब आते हैं आज के अच्छे हुए रुग्ण पे। तो आज के अच्छे हुए रुग्ण विचुंबे में रूम नंबर 103 विंग सी लक्ष्मी कुलदीप तालुका पनवेल 29 वर्षीय पुरुष व्यक्ति कोवल हॉस्पिटल
से डिस्चार्ज हुआ है। आकुरली में जो है 238 तालुका पनवेल से 55 वर्षीय पुरुष व्यक्ति रुग्णालय से उप जिला रुग्णालय पनवेल से डिस्चार्ज हुआ है। उलवे में एक प्लॉट नंबर 27-5 समर्थ बिल्डिंग तालुका पनवेल में 42 वर्षीय पुरुष व्यक्ति उप जिला रुग्णालय से डिस्चार्ज हुआ है। विचुंबे में B303 साइली सोसायटी तालुका पनवेल में एक वर्षीय पुरुष एनजीएम कामोटे हेतु डिस्चार्ज हुआ है। जामुड़ा में तालुका उरण में 18 वर्षीय पुरुष व्यक्ति जो है वो डीवाई पाटिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। ये थी रिपोर्ट। और अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कोई भी जनता चाहती है, जो भी जनता चाहती है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करे, क्योंकि हम किसी से पैसे लेते नहीं है, मांगते नहीं है। यदि इच्छा से कोई देना चाहता है तो हमारे चैनल को दे सकता है। यदि उनको हमारा काम पसंद आता है, हमारे काम उनको अच्छा लगता है, हमारे काम से उनको कुछ न कुछ मिलता है, तो जरूर वो हमारी मदद कर सकते हैं। और हम ये जो सरकारी काम दिखा रहे हैं ये एक्चुअली बिल्कुल निशुल्क है। और मैं जनता से यही कहूंगा कि सावधानी बरतिए। कोविड बढ़ रहा है, जी हाँ, कोविड बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। पूरे इंडिया में 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और यहाँ भी करीब करीब 15 मौतें दिख रही हैं, तो 16 मौतें दिख रही हैं। तो ये एक तरह से थोड़ा सा सजग रहने वाली बात है। सजग रहिए, सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।